फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जयमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है नींदरा नहीं आंदिया, सारी रात नींदरा नहीं आंदिया। जी हाँ, आपके पर्सन कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी नाइट फीलिंग क्या है आपको लेकर, ये रीडिंग ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब जी चाहे आप इसको देख सकते हो, और ये कभी भी आपकी आंखों के सामने ये वीडियो आएगी तो समझो तभी ही अपनी है, तभी रेजोनेट करेगी। दिवाएं देखते हैं, डिवाइन आप टैरो आपके लिए कौन से कार्ड लेके आते हैं। जी करता द सन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, पेज ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप्स। मोर और द स्टार का कार्ड, क्या बात है गाइस, मेजर और काना के बहुत कार्ड आ गए आज। लीजिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लीजिए द एम्प्रेस, किंग ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ वांड्स, बॉटम ऑफ डेक। तो गाइस, आपके पर्सन के कार्ड सारे निकल आए, पर नाइट थॉट कैसे है इस आज के रीडिंग में देखेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। नाइन, टेन, थ्री, थर्टीन, फोर्टीन और एटीन और इलेवन। गाइज, ये कुछ नंबर ऐसे हैं जो हो सकता है आपके और आपके पर्सन के साथ कुछ यादें लेके हो, आपकी मेमोरी में स्टोक हो, जिन इस डेट को आप अपने पर्सन के साथ कहीं घूमने गए हो, या आपकी कोई सेलिब्रेशन किया हो, आप दोनों में से किसी एक का या दोनों का बर्थडे हो। अक्सर कुछ डेटें ऐसी होती हैं जो लाइफ टाइम नहीं हम बोलते वो भूलते, उनमें से ये कुछ डेटें हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि पर्सन के नाइट थॉट क्या है, जो सामने आते हैं उस टाइम उनके थॉट और होते हैं। सामने आपके पर्सन, सबसे पहले मैं बताऊं, बड़े रोमांटिक किस्म के और एक ऐसे पर्सन है जो देखने में बड़े भोले भाले है लेकिन अंदर से काफ़ी छुपे रुस्तम है। अपनी चीज़ें छुपाना और इनको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस, मतलब फीलिंग बताना जल्दी से कहीं नहीं आता, फीलिंग अपनी दिल में रखते हैं। लेकिन जब भी रात को ये पर्सन सोने जाता है तो ये आपको बहुत मिस करता है। आपके रिश्ते में काफ़ी उलझने हैं, लेकिन इस पर्सन की जब नाइट थॉट की बात आती है तो ये सब कुछ भूल के इसका ध्यान सिर्फ आप तक आता है। नाइट में इसकी दिल और दिमाग में उलझने चलती हैं,
क्योंकि जब ये आपको मिस करते हैं, आपके बगैर रह नहीं सकते, आपको बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो ही हो या शी हो, बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते। और इनको ऐसे लगता है कि जो लोग आपके और इनके रिश्ते में इंटरफेयर करते हैं वो कुछ नहीं कर रहे, खाली उन पे गुस्सा आता है इनको, ये ऐसा क्यों हो रहा है। डे टाइम पे चाहे उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, इनके दिल दिमाग में वो सारी उलझने चलती रहती है। आपकी कमी पाकर इनको ऐसे लगता है जैसे आप इनके साथ नहीं हो, ये बिल्कुल बुझे बुझे से, अकेलापन इनको बहुत काटता है। आपको वो ये एक ऐसा समझदार पर्सन, मैरिज प्रॉपर्टी पर्सन और एक ऐसा इंसान मानते हैं कि जो कहते हैं लकी चार्म, गुड लुकिंग, उन इनको आपकी फिगर, आंखें, हर तरफ से आप उनको सुंदर लगते हो, यहाँ की बाहर से नहीं दिल से भी। और इनको ये भी लगता है कि जब आप इनकी लाइफ में आओगे आए तो ये सारी कमियाँ जो इनके अंदर और भी हैं तो ये एक लकी चार्म समझते हैं कि सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये पर्सन ये जानता है कि आप इनकी लाइफ में आते ही इनकी लाइफ में ग्रोथ बढ़ेगी, लेकिन औरों की वजह से ये परेशान रहते हैं। इनके रिश्ते में और आपके रिश्ते में औरों का इंटरफेयर है जिसकी वजह से इनके दिल और दिमाग में उलझने चलती रहती हैं। पर इस बंदे ने पेशेंस रखे हुए हैं, जैसा कि मैं बताती हूँ आपको कि ये एक छुपे रुस्तम है, ये एक छुपे रुस्तम है, ये अपनी फीलिंग नहीं बताएंगे, ये अपनी फैमिली के बारे में अच्छे से नहीं बताएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर खुद ही सेटलमेंट, खुद ही बैलेंस बनाने का सोचेंगे और चीज़ें सेटल होने का इंतज़ार करेंगे। ये आपको पाना एक इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये जानते हैं आप जिसकी भी लाइफ में हो, आप अगर इनकी लाइफ में आओगे तो इनका हैप्पी हैप्पी हो है सब। थोड़ा नेचर जो है इनका गुस्से वाला है, स्वभाव इनका गुस्से वाला है, लेकिन दिल के ये छुपे रुस्तम है। आपके सामने अपनी पूरी तरह फीलिंग ये जाहिर नहीं करते, लेकिन नाइट में ये इनको अकेलापन बहुत काटता है। बहुत दुखी है, थोड़ा सा दुखी है अपने उन लोगों से जो आपके और इनके रिश्तों में दीवार पैदा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये गुस्से वाले पर्सन हैं, लेकिन आपकी और अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्ते को ये एक रोशनी किरण देके आपको परमानेंट अपनी लाइफ पार्टनर बना के हैप्पी फैमिली, यानी कि हम दो, हमारे दो वाली लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन इनकी जो नींद्रे हैं, जो रातें हैं, वो सिर्फ आपके लिए हैं। जब ये अकेले होते हैं, तनहा होते हैं, इनके दिल दिमाग में उलझने होती है, अंदर अकेलापन इनको खटकता है। जो नाइट में नाइट कंपनी अपने लिए कोई ढूंढता है, इनकी ऐसी हालत है। ये जानते हैं, जैसे ये दो कार्ड आए हैं, द मून का और व्हील ऑफ फॉर्चून का, ये जानते हैं कि वक्त अभी हमारे फेवर में नहीं है और रिश्ते को बनाने के लिए ये पूरी कोशिश बैलेंस बनाने में करेंगे। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आगे आने वाला टाइम इनका अच्छा होगा, क्योंकि इस बंदे की जो थिंकिंग है, थॉट है, आपके लिए फुल रोमांटिक है, फुल सेक्सी थॉट है आपके लिए। लेकिन ये समझदार हैं, छुपे रुस्तम हैं, चीज़ें अपने हिसाब से ही आगे लेके जाने वाले हैं। जब आपकी इनको रात को कंपनी नहीं मिलती, नाइट में आप इनके साथ नहीं होते, तो इनको अकेलापन लगता है, इनकी दिल और दिमाग में काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी घबराहट रहती है, जो ये किसी से शेयर भी नहीं कर सकता है। लेकिन इन्होंने सोच रखा है कि ये कॉल, मैसेज, जो भी इनका हक है वो सिर्फ आपकी ही साथ है, क्योंकि इनकी नज़र में आप देखने में गुड लुकिंग हो, आपका हार्ट भी बहुत अच्छा है, आप समझदार भी बहुत हो, और आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी लाइफ में भी जाएंगे उसकी ज़िंदगी में बहारें ही बहारें हैं। इसलिए
अपने आप को जितना मर्जी ये डाउन समझते हैं, रात को इनकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, लेकिन इनको एक उम्मीद है कि आप इन्होंने आपको पाना ही पाना है। इनका मन करता है कि चीज़ें थोड़ी सी खराब है आप लोगों में, थर्ड पार्टी सिचुएशन लगता है चल रही है, तो इस चीज़ को लेके ये पर्सन परेशान है। देखिए गाइस, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये बताता है कि ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करता है। दुखी हो जाता है नाइट के टाइम पे जब आप इसके पास नहीं होते, ये सोच रहा है चीज़ें बैलेंस करके आपकी तरफ आए, आपको प्रपोज करे, आपको अपना बनाए, आपके साथ फैमिली बनाए। और जैसे कि छुपा रुस्तम है, अगर आपके साथ फ़ोन पे बात करते हैं, कॉल पे बात करते हैं, जब मिलते हैं तब ये फीलिंग अपने आपके सामने यही जाहिर करते हैं कि अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है, अभी मैं इतनी जल्दी सोच नहीं रखा, सब चीज़ें ठीक होगी तभी करूँगा। कुछ ऐसी फीलिंग, ऐसे वर्ड बोलेंगे कि जिससे आपको लगेगा कि ये बंदा अंदर से मैरिज के लिए जल्दबाजी नहीं करता, रिश्ते के लिए बढ़ नहीं रहा। लेकिन ये पर्सन के नाइट थॉट में अगर बात करें तो ये फुल टू फुल 100% आप ही हो, क्योंकि इनको आप बहुत प्यारे लगते हो, बहुत प्यार करते हैं आप, इनको बहुत सुंदर लगते हो, इनको ऐसे लगता है जैसे आप कोई चुलबुली सी राजकुमारी हो। इसलिए इनका स्वभाव भले ही गुस्से वाला है, दिल के ये भी अच्छे हैं, ये आपके साथ अपनी हम दो और हमारे दो वाली फैमिली बनाना चाहते हैं। पर ये बात इनको पता है कि चीज़ें बैलेंस होने में टाइम लगता है, इसलिए चीज़ें बैलेंस करके ही आगे बढ़ेंगे। इन्होंने, इस बंदे ने अपने ऊपर कंट्रोल रखा हुआ है, अपने आप को भले ही दबा के बैठा हुआ है, लेकिन ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है कि आने वाला टाइम आप लोगों का, आपके और उनके रिश्ते का बहुत बढ़िया होने वाला है। देखिए ये ऐसे बता रहे कि नाइट थॉट में इनके दिमाग में, दिल में उलझने चलती हैं अपने रिश्ते को लेके, और जब इनको आपकी कंपनी नहीं मिलती तो ये बंदा परेशान हो जाता है, बंदा है या बंदी जो भी परेशान हो जाता है। इनको अब आपके लिए आपकी नाइट कंपनी चाहिए। देखते हैं कि ये पर्सन जो आपके लिए इतने प्यारे प्यारे रोमांटिक थॉट, सेक्सी थॉट लेके बैठा हुआ है, इसके जो एफर्ट है कब तक पूरे होंगे और आपकी लाइफ में कब तक आएगा। गाइस, नेक्स्ट ईयर 22 में आएंगे ये पर्सन आपकी तरफ प्रपोज करने, आपकी तरफ कदम बढ़ाते हुए। अभी धीरे धीरे ये एफर्ट लगा के चीज़ों को सही करेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं, एक कार्ड, दो कार्ड और निकालते हैं, ये रीडिंग कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जनरल रीडिंग है, पता नहीं कितनों के साथ सही होगी। 60% गाइस, 60% लोगों के साथ रेजोनेट होगी। जो 40% है, हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि आपके पर्सन भी आपको बहुत प्यार करते हैं, मन मुटाव रिश्ते में रहते हैं, सेपरेट फेस भी आता है। मैनिफेस्ट कीजिए, ईश्वर के आगे दुआ कीजिए, और मैं भी प्रॉमिस करती हूँ, मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ। जब भी रीडिंग डालती हूँ, मेरे मन से यही निकलता है कि जो सच्चे दिल का इंसान है उसको कभी भी ऐसा कोई चीट करने वाला पर्सन ना मिले, सबका प्यार कामयाब हो। चलिए एक कार्ड आपके लिए भी बनता है, जब आप इतनी प्यार से रीडिंग देखते हो तो एक कार्ड आपके लिए बनता है कि ये चीज़ें सही रहें, सब कुछ अच्छा हो। आपके लिए डिवाइन क्या एडवाइस देना चाहता है आपके लिए गाइस, ये कार्ड निकला है। गाइस, आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है। एक आपने
अपने गुस्से पे काबू रखना है। हो सकता है आपको गुस्सा ज़्यादा आता हो जब पर्सन के साथ बात होती है, उनका गुस्से वाला नेचर है। दूसरा, जो आसपास के लोग हैं जो रिश्ते रिश्ता ख़राब करते हैं, जो मैनिपुलेशन करते हैं रिश्ते की, आपका ब्रेन वॉश करके दूसरी आपके लिए नेगेटिविटी इकट्ठी करते हैं, आपको सेंड करते हैं, उन लोगों से आपने दूर रहना है। बाकी अदरवाइज़ आपकी चीज़ें सही चलेगी। दो चीज़ों का आपने रखना है, आपके रिश्ते में ईश्वर की ब्लेसिंग है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना और अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना। तो ये थी रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ क्लोड, जिसका टॉपिक था कि आपके पर्सन के नाइट थ्रोट कैसे हैं। आपके पर्सन के नाइट थ्रोट बड़े प्यारे, सेक्सी, रोमांटिक सब है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट और साथ में कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। नींद रानी आंदियां, सारी रात नींद रानी आंदियां।